बता तो देते कि पीछे ही। अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में कराची और क्वेटा के दरमियान चलने वाली ट्रेन बुलान मेल का लॉकडाउन के बाद दोबारा इफ्तिताह 1 दिसंबर 2021 को हो गया है। इस इफ्तिताह को बुलान मेल के होम सिटी यानी क्वेटा से कैप्चर करने के लिए मुझे कराची से क्वेटा तक का सफ़र बजरिया सक्खर करना था, क्योंकि उस वक्त क्वेटा की वाहिद ट्रेन जाफर एक्सप्रेस बजरिया सक्खर जाती थी। इसलिए मैंने ये सफ़र दो टुकड़ों में किया। पहला कराची से सक्कर बजरिया 145 अप सक्कर एक्सप्रेस, नंबर दो सक्कर से कोयटा बजरिया 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। सक्कर एक्सप्रेस से सफ़र करने की ख़ास वजह यह थी कि उसके ज़रिए हमें दिन की रोशनी में अयूब ब्रिज और लैंसडाउन ब्रिज से गुजरती ट्रेन को देखने का मौका भी मिल जाता। आज के इस सफ़र पर मेरे साथ मेरा बहुत पुराना दोस्त इमरान भी सफ़र कर रहा है, जिससे आगे मिलवाऊँगा। तो चलें इस सफ़र को शुरू करते हैं। सक्कर एक्सप्रेस ट्रेन कराची से जैकबाबाद तक बरास्ता रोहड़ी सक्कर चलती है और 145 अब सक्कर एक्सप्रेस के कराची से चलने का औकात रात 11 बजे के हैं। इसलिए हम भी 28 नवंबर 2021 को अपने काम निपटा कर रात 11:15 तक ड्रिग रोड स्टेशन पहुंच गए। ड्रिग रोड जंक्शन पर काफ़ी रश मौजूद था। रात 11:40 पर ट्रेन ड्रिग रोड जंक्शन पहुँची और हम उस पर सवार हुए। ड्रिग रोड से रवाना होने के बाद, क्योंकि बाहर तो अंधेरा था और नींद का गलबा भी था, इसलिए मैं तो गहरी नींद सो गया और अगली सुबह उठा तो खैरपुर रेलवे स्टेशन आ चुका था और सुबह की खुनकी बहुत अच्छी लग रही थी। खैरपुर से रवानगी के बाद आपको अपने दोस्त इमरान से मिलवाता हूँ। खैरपुर गुजर चुका है और मैं फाइनली उठ भी चुका हूँ। आज सक्कर एक्सप्रेस का ये ट्रैवल काफ़ी छोटा सा सफ़र था, कराची से लेकर सक्कर तक का, क्योंकि आगे हमने क्वेटा जाना है बुलान मेल के इनॉग्रेशन के लिए। अभी कराची से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी क्वेटा के लिए, तो हम पहले सक्कर जा रहे हैं और वहाँ से जाफर पे क्वेटा जाएँगे और इरादा ये है कि वहाँ पर बुलान मेल का इनॉग्रेशन कैप्चर कर सके। तो आज के इस छोटे से सफ़र में मैं तो बड़ी गहरी नींद सोया हूँ, क्योंकि अपने जितने भी मेरे ट्रेन ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस हैं उसमें चाहे कोई चाय वाला आए, कोई भी किसी किस्म का शोर हो, मुझे नींद आ जाती है। लेकिन आज मेरे साथ हैं इमरान, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और जो पाकिस्तान के माउंटेन एरियाज हैं ज़्यादातर मैंने इनके साथ एक्सप्लोर किए हैं, तो आपको भी इनसे मिलवाता हूँ। जी इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा आपका इकोनॉमी क्लास का सफर? बेहतरीन, चाइल्डहुड मेमोरीज। लेकिन तुम्हारी तरह मैं सो नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं सो पाया।
इमरान भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ट्रेन का, लेकिन इनका ज़्यादातर बिजनेस क्लास और एसी स्लीपर वगैरह में ही सफ़र होता है, तो मैं इन्हें ज़बरदस्ती आज इकोनॉमी क्लास में ले आया हूँ। और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, जो 20 इयर्स पहले थी वैसी ही है। और थोड़ी देर सोया हूँ मैं, जो बहुत पीक टाइम होता है, बट कंफर्टेबली नो। कभी चाय वाला आ रहा है, कभी कोई मांगने वाला आ रहा है, कभी कोई बराबर वाली बर्थ बंद कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, तो बट स्टिल इट्स लव, ट्रेन जर्नी इज लव। खैर, जल्द ही ट्रेन रोहड़ी जंक्शन के यार्ड में दाखिल हो चुकी थी। सामने जो लाइन नज़र आ रही है ये ML3 है, जो कोयटा रोहड़ी से लेके कोयटा तक जाती है। कुछ ही देर बाद रोहड़ी स्टेशन पे रुकेगी ये ट्रेन और इसका इंजन जो है चेंज होगा, दूसरी तरफ लगेगा और फिर ML3 के ज़रिए ही ये सक्कर एक्सप्रेस अपना सफ़र कंटिन्यू करेगी और हम भी वहाँ से सक्कर पर जो है वो अपना सफ़र का इख्तिताम करेंगे। प्राइम अट्रैक्शन आज के जर्नी की लैंसडाउन ब्रिज है, जो ML3 पर आता है, लैंसडाउन ब्रिज और अयूब ब्रिज। तो जल्दी उधर पहुँचते हैं। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है। रोहड़ी जंक्शन पहुंचने के बाद आपको SGMU-30R-8215 के पास लेके चलता हूं, जो कि EMD-3000 रेटेड हॉर्स पावर आउटपुट का डीजल लोकोमोटिव है और पाकिस्तान रेलवेज का एक पुराना और बातमाद खिलाड़ी है। चलें इस EMD लोकोमोटिव की आइडल साउंड सुनते हैं।
रोहड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ये बोलान मेल का रेक भी खड़ा हुआ है जो मुगलपुरा वर्कशॉप से बनकर आया है और कोयटा की तरफ रवाना हुआ है। और इसी रेक से जो है वो परसों इनॉग्रेशन एक्सपेक्टेड है बोलान मेल का। जल्दी मैं रेक की दूसरी तरफ पहुंचा, जहां रोहड़ी से जैकबाबाद तक लीड करने वाला लोकोमोटिव GMU-15-4809 शंट कर दिया गया था, जो कि जनरल मैकेनिकल का 1500 हॉर्स पावर का काफ़ी पुराना 1970 का लोकोमोटिव है। जल्दी तकरीबन 8:20 पर ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई और अब इसका रूट ML3 पर होना था, जिसके बारे में आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अब हमारी ट्रेन ML3 पर हो गई है और वो सामने आपको मेन लाइन 1 नज़र आ रही है। ML3 पर आने के बाद जल्द ही ट्रेन जुड़वा अयूब ब्रिज और लैंसडाउन ब्रिज पर से पास हुई, जिसको दोनों अतराफ से कैप्चर किया। लैंसडाउन ब्रिज 1889 में ब्रिटिश दौर में तामीर किया गया था, जो रोड और रेल ट्रैफिक दोनों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन 1962 में लैंसडाउन ब्रिज के साथ ही अयूब ब्रिज तामीर कर दिया गया और अब रेल ट्रैफिक के लिए अयूब ब्रिज इस्तेमाल होता है।
ब्रिज से गुजरने के कुछ ही लम्हों बाद सक्कर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। सक्कर रेलवे स्टेशन पर 145 अब सक्कर एक्सप्रेस से कुछ कोचेस को शंट करके अलग कर दिया जाता है और फिर बाकी ट्रेन आगे के लिए रवाना होती है। जल्दी GMU 15 के मखसूस विसल के साथ 145 अब सक्कर एक्सप्रेस आगे रवाना हुई। फाइनली सक्कर में पहुंच चुका हूं अपनी 145 सक्कर एक्सप्रेस पर और वो आगे के लिए रवाना भी हो गई है। ये सक्कर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इंग्लिश, उर्दू और सिंधी तीन जबानों में सक्कर का लफ्ज़ लिखा है। सक्कर पे मुझे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और सब्सक्राइबर भी हैं अमजद भाई, वो रिसीव करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा रहा आपका सफ़र? मेरा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, अब आप बताएं? जो पूछे आप। तो सक्कर में हमें कहाँ रेल फैनिंग करवा रहे हैं? सक्कर में बहुत सारी प्लेसेस हैं, आपको आज ले चलते हैं, प्लान बनाते हैं फिर। अच्छा जी जी, चलें ठीक है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ट्रेन रवाना होने के बाद हम सक्कर रेलवे स्टेशन के बाहर पहुँच गए।
बाहर से दिखने में सक्कर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत है और स्टेशन बिल्डिंग के बाहर ही मेमोरियल के तौर पर मीटर गेज का स्टीम लोकोमोटिव और कुछ कोचेज लगाई गई हैं। बता तो देते कि पीछे ही है। खैर इस तरह तो होता है। यूं मेरा क्वेटा तक जाने का एक हिस्सा यानी कराची से सक्कर तक का सफर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह जल्दी सक्कर से क्वेटा के सफर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।